ये है डेवन वर्जीनिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं हूँ वर्जीनिया में, और मैं आई थी यहाँ पे कल रात को। लेकिन कल रात को हम लोग वहाँ से 6 घंटे की ड्राइव करके आए, जिसकी सफ़र मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि अंधेरा था रास्ते में। ऐसा महसूस कर रहे हैं। बहुत चलो अच्छा। हेडो आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और आज वर्जीनिया घूमने का प्लान है, और साथ साथ में आपको भी घुमाएंगे। तो ये सिटी पूरा पहाड़ों पे है, और पहाड़ों पे होने की वजह से ही मोस्टली हर एक घर से कोई ना कोई पहाड़ जरूर दिखता है। और ये है वो दीदी का घर जिनके घर हम आए हुए हैं। हम अभी जा रहे हैं यहाँ इस जगह की सबसे टॉप वाली जगह पे, जहाँ से पूरा सिटी दिखता है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसके रास्ते होते हैं। तो इस मंजिल का रास्ता भी कुछ ऐसा ही था। रास्ते की दोनों तरफ रंग बिरंगी पेड़, और पेड़ के ऊपर से झड़ते हुए पत्ते, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे लिए सुरंग भरा रास्ता बना रहे हैं। और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये रास्ता दिखाया जाए। ये एरिया है मिल माउंटेन पार्क। और शहर के इस पार्क से दिखता है पूरा शहर ऊपर से। ये इसके बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और जिस स्टार की यहाँ पे बोर्ड लगा था कि मिल माउंटेन स्टार, वो स्टार है मेरे पीछे यहाँ पे, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। रात को ये काफी रेड लाइट में काफी ब्यूटीफुली चमकता है, लेकिन अभी यहाँ पे लाइट्स बंद है क्योंकि हम लोग दिन में आए हुए हैं। और यहाँ पे ये है मेरे पीछे नज़ारा। ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सारे पत्ते झड़ गए हैं, लेकिन ये जो रेड रेड सा है ये सिर्फ बचा है ये सारे पे।
तो ये जो इलाका है काफ़ी पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे ऊपर का जो वेदर है वो काफ़ी ठंडा है और ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया के देहरादून में आ गए हैं और उतना ही ठंडा है उतना ही ब्यूटीफुल है। पेड़ों के सारे पत्ते झड़ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे फॉल ख़त्म हो गया है और ठंडी आने वाली है इस वजह से। अब हम जा रहे हैं नीचे। तो इसी स्टार माउंटेन के पास है एक छोटी सी रिवर और वहाँ पे जो नज़ारा है बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो मैं आपको ज़रा सा दिखाती हूँ वहाँ पे। तो लेट्स गो देयर। तो यहाँ पे रिवर पे चलने के लिए इस तरह से है, यहाँ पे ये वॉकिंग वे है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि इसके आधे पत्ते गिरे हैं और आधे पत्ते नहीं गिरे हैं, तो ये लग बहुत सुंदर रहा है। तो ये है मेरे पीछे रिवर और आज बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सनी डे है। हालांकि यहाँ पे सन के साथ साथ भी हमें सर्दी लगती है, ठंड लगती है। मेरी आंखें नहीं खुल रही क्योंकि सन इस डायरेक्शन में है, सो प्लीज़ माफ़ करना। और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे सब कुछ। और ये जगह का नाम काफ़ी लोकल इंडियन सा है, रौनक। रौनक तो इंडिया में नाम होते हैं भाई। और यहाँ पे मैंने मछली देखी थी, मछली छोटी छोटी मछलियाँ हो रही थी। भाई यहाँ पे व्यू बहुत ब्यूटीफुल है, नज़ारा बहुत सुंदर है। कुछ पेड़ों के पत्ते गिर चुके हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते हरे हैं और कुछ पेड़ों के पत्ते लाल हैं, जैसे कि ये रेस्टोरेंट का पीछे वाला हिस्सा है, आगे वो डोमिनोज है, राइट? या चाइनीज एंड डोमिनोज। और ये भैया कुछ कर रहे हैं। होमलेस पीपल। तो इस वजह से ये पता लगता है कि भिखारी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होते हैं, दुनिया में सारी जगह नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि यहाँ पे भिखारी नहीं होते, वो बिल्कुल गलत है। वो जो हमारे पीछे गए अंकल, नो ऑफेंस प्लीज, पर हाँ ये नहीं होता कि कहीं भिखारी नहीं होते, इंडिया के अलावा सब जगह होते हैं भाई साहब, सब जगह। और ये हमारी परछाइयाँ चलती हुई। वाओ, मुझे यहाँ पे पेड़ ही बहुत अच्छे लगते हैं। सितारा हम सुबह देखने गए थे, वो सितारा यहीं पे है। जीजा जी को मिलने के लिए दीदी बेताब हो रही है इसलिए जो सुबह से मिले नहीं है ना, सुबह 9 बजे मिले थे और अभी 12 बजे, 3 घंटे में दीदी बेताब हो चुकी है। ओ, ये वाली रेस्टोरेंट है, इसके पीछे ये पिछवाड़ा है रेस्टोरेंट का, सॉरी।